मुख्यमंत्री वसुंधरा साय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास परिसर से 15 नवीन इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 15 जिलों के लिए रवाना किया। इन वाहनों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को इंटरसेप्टर वाहनों की चाबी सौंपी और वाहनों के उपयोगिता और तकनीकी विशेषताओं की जानकारियां ली। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये वाहन आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इसमें ब्रीथ एनालाइजर, सर्विलांस कैमरा, लाइट मीटर, साउंड मीटर है। इन्हें 15 जिलों में भेजा जा रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तेज गति से वाहन चलाने वालों या शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किए हैं और ये इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। इसमें स्पीड राडार गन है, ब्रीथ एनालाइजर है, सर्विलांस कैमरा है, प्रकाश तीव्रता मापन यंत्र है, ध्वनि मापक यंत्र है, ग्लास पारदर्शिता यंत्र है, पीए सिस्टम यंत्र है। और अभी 15 गाड़ियां हैं तो 15 जिलों में भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी। जो लोग ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, जो नशा पान करके गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो सड़क दुर्घटनाएं उसको कम कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी वो मौजूद रहे, हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी उपस्थित रहे, विधायक उपस्थित रहे, हमारे सांसद उपस्थित रहे, महासमुंद के श्री संतोष पांडे जी और डीजी उपस्थित रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबके उपस्थिति में आज हम लोग इस इंटरसेप्टर गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किए हैं।